खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षिका समय पर स्कूल नहीं पहुंचती है। दरअसल जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर पर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कच्छनन पूर्वा की पदस्थ शिक्षिका अरुणा सोनी समय पर शाला नहीं पहुंचती, जिससे छात्र छात्राओं को स्कूल के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है। को जब मीडिया की टीम ने सुबह 10:30 बजे पर शाला का निरीक्षण किया तो शाला का ताला बंद था। वहीं शाला पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को बाहर ही इंतजार करना पड़ा। वहीं शिक्षिका अरुणा सोनी 11 बजे तक शाला में उपस्थित नहीं हुई। आपको बता दें कि बच्चों ने शाला की प्रतिदिन 11 बात तो कही, वही दूसरी ओर स्कूल परिसर में छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगाते हुए भी नजर आए। वहीं शिक्षक राम प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि यहाँ शिक्षिका अरुणा सोनी कभी भी समय पर शाला नहीं आती, वह हमेशा 11 बजे के बाद शाला आती है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। साथ ही पूरे मामले में डीपीसी अरुण शंकर पांडे का कहना है कि लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही विभागीय जांच भी कराई जाएगी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। ये अभी जो है आपके द्वारा संज्ञान में आया, मैंने कभी अपने एपीसी को डिस्कस दिया है, वो कल जाएंगे यहाँ वहाँ पे थोड़ा सा जब वहाँ पहुँच के देखेंगे कौन डी कितने बजे आ रहा है, अगर इनके द्वारा लापरवाही की जा रही तो उनको जो है कठोर दंड दिया जाएगा, सर पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नहीं ये तो टीचर का ये कर्तव्य है कि वो अपने 10:30 पर वहाँ बस स्कूल में हो और बच्चों को आने पर जो है स्कूल में बच्चों को खुला मिले। अगर ये लापरवाही इस तरह की टीचर कर रहे हैं तो उनको दंड दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बक्सर ही जाएगा उनको। श्री राम प्रताप चतुर्वेदी। कौन सी शाला में पदस्थ हैं? शासकीय प्राथमिक शाला कच्छनन पूर्वा कदारी। कितने लोग यहाँ पदस्थ हैं? 2 लोग पदस्थ हैं। क्या क्या नाम है? राम प्रताप चतुर्वेदी मैं ही हूँ और श्रीमती अरुणा स्वामी। आज मैडम नहीं आई हैं, क्या बताया? अभी मैडम लेट हो गई है, आज नहीं आ पाई। क्या रोज लेट होती हैं क्या आज ही? नहीं, 11 बजे तक।